ऑलराइट दोस्तों, Realme 12 Pro Plus is in the house। दोस्तों एक बात कहूँ आपसे, Realme 2024 में बहुत सारी नई चीजें कर रहा है, ऐसे मुझे बहुत सारे फीलर्स आए हुए हैं। दिस इज द फर्स्ट फोन ऑफ 2024 फ्रॉम Realme एंड एक बात कहूँ, बहुत ज्यादा मेरे एक्सपेक्टेशंस है क्योंकि मैंने Realme के लोगों से बात की और उन्होंने कहा कि आप ये देखिए फोन, इसका जो कैमरा है उसके ऊपर हमने बहुत ज्यादा काम किया हुआ है, यू आर गोइंग टू बी इम्प्रेस्ड। देखने वाला हूँ, सब कुछ बताने वाला हूँ, आज इसका अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशंस करने वाले, लेकिन उसके पहले आपको एक चीज करनी है दोस्तों, सब्सक्राइब, और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है पूरा देखिए फिर लाइक कीजिए। वैसे चलिए लेट्स लुक एट द अनबॉक्सिंग। येलो बॉक्स, ब्लैक लेटरिंग, बड़ा बॉक्स है, आई लाइक इट। पिछले कुछ दिनों से छोटे छोटे बॉक्सेस खोल रहे हैं तो अनबॉक्सिंग बहुत जल्दी खत्म हो रही है, नॉट विद दिस वन। इसमें कुछ चीजें अच्छी हैं। सबसे पहले सिम कार्ड टूल, उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन, देन यू हैव दिस केस, और अगर आप इसके पास देखोगे तो ये रेज्ड है इधर, ये देखिए, लुक एट दिस। तो कैमरा मॉड्यूल इज गोइंग टू बी राइट इन द मिडिल, बड़ा सा है, एंड देन दिस इज द फोन। मुझे थोड़ा हेवी लगा था कि होगा, लेकिन नहीं, इतना हेवी नहीं है। बात करेंगे वे करने वाले, गिराने वाले, सब कुछ करने वाले, बट दिस इज Realme 11 Pro Plus में 100 वॉट था, इसमें 67 वॉट चार्जिंग हो गया है। ऑलराइट, ठीक है। एंड USB Type-A to Type-C चार्जिंग केबल, या दैट्स अबाउट इट, लेट्स कीप दिस असाइड। देखते हैं फोन के पास। वैसे दोस्तों एक बात कहूँ, पिछले साल Realme 11 Pro Plus का जो डिजाइन था मुझे बहुत अच्छा लगा था, वो बेज कलर का, एंड दिस वन टेक्स इट वन स्टेप फर्दर। ओ बढ़िया है दिखने को, वेगन लेदर डिजाइन है, एंड देयर इज दिस गोल्डन लाइन वो अक्रॉस जा रही है, एंड देन कैमरा मॉड्यूल के अराउंड भी गोल्डन डिजाइन है। जस्ट लुक एट दिस, बहुत ही प्रीमियम लगता है। और दोस्तों एक बात कहूँ, प्रीमियम वॉच मेकर है, डिजाइनर है, जिनके पास से Realme ने मदद ली हुई है टू मेक दिस डिजाइन। ऑलराइट, पीछे से कर्व्ड है, आगे से भी कर्व्ड डिस्प्ले है, स्क्रैच गार्ड आता है, लेट्स रिमूव इट। ओ यस, ओ यस, ओ यस, लवली। इन हैंड फील एब्सोल्युटली गॉर्जियस, बहुत अच्छा लगता है हाथ में। मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि बहुत ही छोटा है, कॉम्पैक्ट है, बट बड़ा भी नहीं है, आइडियल साइज में कहूंगा। एंड वो वेगन लेदर की वजह से स्लिपरी वगैरह नहीं है, बट आई टेल यू व्हाट, क्लियर केस आप इस्तेमाल कीजिए एंड शो ऑफ दिस डिजाइन। वैसे नहीं किया तो भी चलेगा। या इसमें एक इंडिया स्पेसिफिक कलर आता है, रेड एक्सप्लोरर नाम का, बहुत अच्छा कलर है। तो उसमें बेज भी है, रेड है, एंड देन दिस वन इज ब्लू। ऑल ऑफ देम आई थिंक लुक ब्यूटीफुल। वैसे प्रोटेक्शन के बारे में बात करूं तो असाही का प्रोटेक्शन आता है आगे की तरफ। प्रोटेक्शन है नहीं है, हम जोर से गिराने वाले हैं दोस्तों। वैसे आपको ये दिख रहा है, ये देखिए, ये सब गिरा के हुए हैं फोन्स को कुछ नहीं हुआ है। हमारा टेबल जो है वो डेफिनेटली कुछ हो रहा है, चेंज करना होगा थोड़े ही दिनों में, बट या एक्सीलेंट। द फ्रेम के बारे में बात करूं तो प्लास्टिक फ्रेम है। अगर पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं तो नीचे स्पीकर ग्रिल है, USB Type-C है, माइक्रोफोन है, सिम कार्ड ट्रे है, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है, ऊपर भी स्पीकर ग्रिल है, नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन भी है, एंड देन राइट हैंड साइड में वॉल्यूम रॉकर है, एंड देन यू ऑल्सो हैव पावर ऑन ऑफ बटन। वेट वेट वेट, 190, ये स्लाइटली ऐसा फॉरवर्ड हैवी लगता है क्योंकि इतना बड़ा कैमरा मॉड्यूल है, स्लाइटली लगता है। मेरे हिसाब से 202 ग्राम्स होगा, लेट्स सी। 196.8, 200 ग्राम से कम है दोस्तों। ये जो है ना, ये थोड़ा सा ऐसे फॉरवर्ड हैवी है तो उसकी वजह से थोड़ा हैवी लगता है, बट इट इज वन लेस देन 197 ग्राम, सो दैट इज गुड। चलिए डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं दोस्तों। कर्व्ड डिस्प्ले आता है, 6.7 इंच का OLED डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट है, 2160 PW डिमिंग भी आती है। इसमें TUI राइलैंड का लो लाइट सर्टिफिकेशन भी आता है, 950 nits ब्राइटनेस है, सो डिस्प्ले एक्सीलेंट, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों लेट्स टॉक अबाउट प्राइस। इसकी जो प्राइस है वो 30,000 रुपए तक आने वाली, इफेक्टिव प्राइस जो होगी, शायद ऑफर्स वगैरह के साथ 30,000 के नीचे होने वाला है ये। उस हिसाब से मैं कहूंगा डिस्प्ले अच्छा है, लुक एट द डिस्प्ले। बेजल्स बहुत ही पतले हैं, ब्राइटनेस भी ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। साइड के बेजल्स जो है दोस्तों दे आर है ही नहीं, एंड इवन चिन बहुत ही पतली है, सो इमर्सिव डिस्प्ले। मल्टीमीडिया में आपको मजा आने वाला है, एंड स्टीरियो स्पीकर्स भी है, सो मल्टीमीडिया इज एब्सोल्युटली गोइंग टू बी ग्रेट। हमने ऑडियो टेस्ट किया दोस्तों, क्वालिटी अच्छी है, लाउड है, डिस्प्ले भी अच्छा है, सो मल्टीमीडिया के लिए दिस इज डेफिनेटली एक्सीलेंट। लेट्स लुक एट द स्पेसिफिकेशन, स्पेशली फ्रॉम द प्राइस पॉइंट पर्सपेक्टिव। ये आता है दोस्तों Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 के ऊपर। इसमें दो वेरिएंट्स आते हैं, 8GB रैम 128GB स्टोरेज, एंड दूसरा वेरिएंट है 12GB रैम एंड 256GB स्टोरेज। इसमें LPDDR5 रैम टाइप आती है एंड UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है। 5000 mAh की बैटरी है एंड 67 वॉट फास्ट चार्जिंग आता है। चलिए क्विकली OS की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। Realme UI 5.0 आता है, which is based on Android 14, and आपको 2 साल के मेजर, इसमें 3 या 4 नहीं है, 2 साल के मेजर अपडेट्स हैं दोस्तों। तो आपको 15 एंड 16 मिलने वाला है, एंड 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। अब OS के बारे में बात करूं दोस्तों, Realme UI is good, but हाँ ब्लोटवेयर, थर्ड पार्टी एप्स आते हैं, हॉट एप्स, हॉट गेम्स है। लेकिन इधर ये भी कहना चाहूंगा कि Realme 11 Pro Plus में हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया हुआ था, वो डार्क पैटर्न्स का वगैरह, वो बहुत सारी चीजें उन्होंने कम कर दी है। बट हाँ, अभी भी ब्लोटवेयर, थर्ड पार्टी एप्स जरूर है। वो हमने एनहांस इंटेलिजेंस सर्विसेज वगैरह के बारे में बात की थी लास्ट टाइम, वो अब बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है। गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो 60 FPS गेमिंग आप मीडियम सेटिंग्स पे वगैरह कर पाओगे दोस्तों। COD मोबाइल वगैरह आपने खेला, PUBG New State खेला, या फिर इवन BGMI वगैरह खेला, 60 FPS गेमिंग आप ठीक तरह से कर पाओगे। यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। सेंसर्स के बारे में बात करूं, सभी सेंसर्स आते हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, वर्क्स वेरी वेल। सेंसर्स के मामले में एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। अगर कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं दोस्तों, Wi-Fi 6 आता है, 9 5G बैंड्स है, डुअल 4G वोल्टी Wi-Fi कॉलिंग का सपोर्ट है। इधर जो भी 5G बैंड्स है सबका सपोर्ट है, नो प्रॉब्लम्स। ब्लूटूथ 5.2 है, NFC, आयर ब्लास्टर वगैरह नहीं है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रियलमी ने कहा है कि बहुत ज्यादा हमने काम किया हुआ है। अगर आप हार्डवेयर के पास देखते हो दोस्तों, डेफिनेटली यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ अपग्रेड। अगर मैं कंपेयर करूं रियलमी 11 Pro Plus के साथ में, एंड एक्चुअल में भी अगर मैं बात करूं, स्किन टोन्स वगैरह, कलर्स वगैरह जो है ना सीरियसली एक्यूरेट आते हैं, स्पेशली अगर प्राइमरी सेंसर के पास देखोगे। इसका प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का है, वो भी सोनी का IMX 890। जी हाँ, OS सपोर्टेड है। सेकंड जो है वो पेरिस्कोप आता है। अंडर 30,000 शायद ही कोई फोन है जिसमें आपको पेरिस्कोप सेंसर मिलता है। इसमें 64 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप है जो 3x ऑप्टिकल जूम देता है, एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। अच्छी बात यह है कि 2 मेगापिक्सल वगैरह इसके अंदर नहीं है। सो आई एम वेरी हैप्पी, अ वेरी फंक्शनल कैमरा सेटअप। और अगर मैं प्राइमरी सेंसर एंड सेकेंडरी सेंसर के बारे में बात करूं तो कलर्स आर रियली एक्यूरेट, वाइब्रेंट, अच्छे दिखते हैं। जो डायनेमिक रेंज हमेशा जो रियलमी के फोन्स में हमें दिखती है वो भी इसके अंदर दिखती है। हाँ, अल्ट्रा वाइड में थोड़ा कलर शिफ्ट वगैरह आपको दिखेगा, बट ओवरऑल अगर मैं कैमरा सेटअप के बारे में बात करूं, इट इज इंप्रेसिव, स्पेशली फॉर द प्राइस रेंज। इवन अगर मैं सेल्फी सेंसर के बारे में बात करूं, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर है। स्किन टोन्स वगैरह जो आते हैं वो एक्यूरेट आते हैं, डिटेल्स मिलते हैं आपको फोटोज में। वैसे हमने बहुत सारे फोटोज लिए हुए हैं, अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग पोर्ट्रेट मोड्स में लिए हुए, अलग अलग कंडीशंस में लिए हुए। G Drive की लिंक दे रहा हूं, खुद जाके देखिएगा एंड यू टेल मी हाउ डू यू लाइक इट। मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस आर डेफिनेटली क्वाइट पॉजिटिव व्हेन इट कम्स टू Realme 12 Pro Plus का कैमरा। अगर वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं तो प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल एंड जो पेरिस्कोप है, दोनों से ही आप 4K 30 FPS शूट कर पाओगे, सो दैट इज आल्सो वेरी गुड। अगर कैमरा फीचर्स के बारे में बात करूं, अगेन फीचर रिच कैमरा, नाइट मोड, स्ट्रीट मोड, वीडियो, फोटो, पोर्ट्रेट मोड है, टेक्स्ट स्कैनर है, हाई रेजोल्यूशन मोड भी आता है इसके अंदर, तो आपको 50 मेगापिक्सल नेटिव फोटोज निकालने हैं वो आप कर पाओगे। फिल्टर्स भी आते हैं व्हिच आर बेस्ड ऑन मूवी, मतलब टॉम क्रूज का जो मूवी है मैवरिक्स वगैरह, या फिर बेंजामिन बटन का जो मूवी है मेमोरी नाम है फिल्टर का, तो ऐसे 3 अलग अलग मूवी बेस्ड फिल्टर्स भी आते हैं। सो फीचर रिच कैमरा ऐप फॉर श्योर। सो ओवरऑल अगर मैं कैमरा सेटअप के बारे में बात करूं, फीचर्स के बारे में बात करूं, आउटपुट के बारे में बात करूं, आई लाइक इट। तो मतलब रियलमी जो कह रहा था कि हमने फोकस किया हुआ है कैमरा पे, वो डेफिनेटली दिखता है। चलिए बाकी के छोटे छोटे फीचर्स के बारे में बात करते हैं। IP65 सर्टिफिकेशन आता है, वायरलेस चार्जिंग वगैरह नहीं, एंड आई डोंट एक्सपेक्ट इट टू बी। हाँ, एक चीज मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, नेटफ्लिक्स में HDR का सपोर्ट है, ऑल्दो डिस्प्ले HDR 10+ का सपोर्ट है, बट नेटफ्लिक्स में नहीं है। यूट्यूब पे आप HDR 10+ की वीडियोस देख पाओगे, सो दैट इज देयर। बाकी सब चीजें यू नो सार वैल्यूज आर विद इन लिमिट्स, कैमरा टू API का सपोर्ट है, नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, बाकी सब चीजें तो है ही। सो एक तो 2-3 चीजें, प्राइस मैं कहूँगा ठीक ठाक है, कंपटीशन के हिसाब से दे हैव केप्ट इट कॉम्पिटिटिवली। हाँ, ऐसे नहीं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा प्राइस रखी है या कम रखी है, यू नो इट इज़ काइंड ऑफ एट पार विथ एवरीथिंग एल्स। अगर मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो अगेन इट इज़ नॉट, इस प्राइस रेंज में हाई परफॉर्मिंग फोन्स आपको मिलते हैं, बट मैं कहूँगा ये बैलेंस्ड परफॉर्मेंस आपको देता है विद अ ग्रेट कैमरा, एंड लुक वाइज ऑल्सो इट रियली लुक्स गुड। सो मैं कहूँगा रियलमी 12 Pro Plus इज नॉट अ बैड अपग्रेड, इट इज एक्चुअली अ गुड अपग्रेड अगर मैं Realme 11 Pro Plus के साथ कंपेयर करूं तो। जी हाँ दोस्तों, यही है Realme 11 Pro Plus। अगर आपको कोई सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। अभी भी वो लाल बटन सब्सक्राइब का नहीं दबाया तो जरूर दबाइएगा। Realme के जो फैंस होंगे उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा ये वीडियो। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।